अब इंटरनेशनल मैच खेल रहा हो और स्टेडियम में 1 लाख लोग बैठे हैं, उस प्रेशर को हैंडल करने का नाम है टैलेंट। तो तेंदुलकर की आदत थी प्रेशर हैंडल करने की, और ये सब चीजें स्कूलों में नहीं सिखाई जाती, और घर वाले और नरक बनाए रहते हैं जिंदगी। दुनिया में दो ही मजा है, पूरा गांव सन्नाटे में है। फेल हो जाओगे तो दुनिया क्या कहेगी, भाड़ में गई दुनिया कुछ नहीं कहती है। तुम दुनिया में हम, ये प्रेशर तुम्हें पता है कहां से मिला? ये तोहफे में मिला हम सबको, परिवार से, स्कूल से। हमारी ट्रेन होती थी 6 बजे शाम को दिल्ली के लिए, हमारे पिताजी 4 ही बजे कहते थे चलो स्टेशन, चलो भैया 4 बज गए भैया, अरे 6 बजे, अरे 6 बजे तो 6 बजे जाओगे? अननेसेसरी टेंशन। 4:10 पे स्टेशन पहुंच गए, बैठे कर रहा छोला भटूरा बढ़िया बना रहा, खा लो पेट्रोल में बनाया है, खा लो। अरे पेट्रोल में थोड़ी बनाते हैं लोग यार, पेट्रोल में बनाया है, ये प्रेशर ही तो है। फेल हो जाओगे तो दुनिया क्या कहेगी, भाड़ में गई दुनिया कुछ नहीं कहती है। तलवार लेके टहलो चौराहे में, देखोगे कुछ कहता है? इतना लोड काहे ले रहे हो तुम दुनिया का? देखो बेटा नाक मत कटाना कितनी बड़ी है। ये सारी चीजें तुमने अपने मन में भर रखा है, इसको निकाल दो। ये तुम्हारा जो ज्यादातर प्रेशर है ये दूसरों को देख के है, मम्मी पापा क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे, समाज क्या कहेंगे। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि कोशिश करो कि किसी को पता ही ना चले, कोशिश करो, ऐसी कोशिश करो किसी को पता ना चले। लेकिन घर में थोड़ा छुपाना मुश्किल हो जाता है, माँ बाप ताओ में बता देते हैं कि बिटिया हमारी आईएएस की तैयारी कर रही है। अच्छा इससे उनकी थोड़ी सी इज्जत बढ़ती है, उनको पता नहीं होता कि कितना बड़ा बवाल ले रहे हैं वो। तो दुनिया में जो भी प्रेशर है वो दूसरे का है, खुद का कुछ भी नहीं है। तो हम तो भगवान कर रहे हैं, 24 का चुनाव आ रहा है, हम गांव गए, हमने कहा कि इस बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लड़ना है, पूरा गांव सन्नाटे में है। अच्छा किस पार्टी से लड़ोगे? अखिलेश जी तो कह रहे थे हमसे, हमारी पार्टी से लड़ लो। सब टेंशन में, पूरा गांव, पैसा, खुशी कहां होंगे? जब मेरा अटेंड खत्म हो गया तो सोचे खत्म। और यही गांव वाले, कल अगर मैं बन गया तो ये आएंगे मुझसे काम लेने और मुझे करना पड़ेगा। और यही दुनिया का मजा है, मुझे पता है कि ये मना रहे हैं, पीपल पे जाके ब्रह्म देवता की पूजा कर रहे कि देखो भगवान बहुत बर्दाश्त कर लिए। और हमसे मिलते हैं तो मुस्कुराते हैं कि भैया हम दिन रात भगवान कहते कि आप भैया जीत जाओ किसी तरह, हमको कोई लड़ना थोड़ी है, तो 1 साल का मजा है, मरे जा रहे। तो गांव जाते हैं तो 4-5 गाड़ी किराए पे ले लेते हैं, एक तो है ही है, 4-5 किराए, 6-7 गाड़ी लेके जाते हैं गांव। तो गांव वाले पूछेंगे तुम वही खरीदे हो सब? अरे मैंने कहा नहीं, सब मांगे। मेरे साथ जो लड़के कहते हैं भैया गाड़ी है खुद ही खरीदें, साथ साथ गाड़ी लेके चलते हैं। अच्छा वो घर गए चावल वाल उठा पटक दिए साले। यही तो मजा है, और मजा क्या है दुनिया में? दो ही मजा है, पहला एक्सप्लॉइट होने का मजा जब तुम कमजोर हो, लेकिन पता होना चाहिए कि अगला तुम्हें कर रहा है, और दूसरा एक्सप्लॉइट करने का। आईएएस बनने का मजा थोड़ी है। जितना बड़ा खेल होगा ना, जैसे हम जब मोहल्ले के ग्राउंड में खेलते हैं और फिर इंटरनेशनल ग्राउंड में खेलते हैं तो प्रेशर तो बिल्डअप हो ही जाता है ना।
अब इंटरनेशनल मैच खेल रहे हो और स्टेडियम में 1 लाख लोग बैठे हैं, और तुमको पता है कि अगर कैच छूट गया तो इतनी माँ बहन की गाली देंगे सब। उस प्रेशर को हैंडल करने का नाम है टैलेंट। सब नहीं कर पाएंगे, जब सब कर नहीं पाएंगे तो सब खेल भी नहीं पाएंगे। तो तेंदुलकर की आदत थी प्रेशर हैंडल करने की। कितना भी स्कोर हो, सामने वाला का ओपनिंग बैट्समैन पे जाता था, कोई भी बॉलर हो सामने ओपनिंग करने जाना है, तो जिसने प्रेशर हैंडल करना सीख लिया वो महान हो गया। और ये सब चीजें स्कूलों में नहीं सिखाई जाती, और घर वाले और नरक बनाए रहते हैं जिंदगी। योग करो और ध्यान करो।